उत्तराखंड में कालाढूंगी के आंबला कोट खेड़ा गांव संक्रामक रोगों का खतरा इसमें बढ़ता जा रहा है। गांव में अवैध पोल्ट्री फार्म लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। गांव की जनता का कहना कि अवैध जो फार्म चल रहा है इसकी वजह से पूरे गांव में गंदगी बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि इसके खुलने से जो मरी हुई मुर्गियाँ हैं वो यहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके चलते बीमारियाँ फैल रही हैं। बीमारियों के डर से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर अवैध पोल्ट्री फार्म के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? साफ सफाई रखें, बस ये जो गीट वगैरह है इसको दूर, इसका निस्तारण करें, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, सामने ही फेंक देते हैं, जिससे कि बरसात का सीजन है, बहुत अधिक रूप से बारिश होने से ये बिल्कुल बहुत गंदगी फैल रही है। संक्रमक रोगों का फैलने का भी पूरी संभावना है, क्योंकि पोल्ट्री से लगते हुए बिल्कुल ये सारे सबके निवास स्थान है। ग्रामीणों से भी कई बार इनसे कहने के बाद भी ये नहीं मानते हैं, और कई बार तो गांव से शिकायत आती है कि रात को इनका डीजे बज रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं पी के। सबको पता है गांव में इसकी बदबू से और इसकी वजह से यहाँ पर वातावरण प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों में आने वाली पीढ़ी क्या करेगी इसमें, और यहाँ पर आने से मेहमान लोग भी डर रहे हैं, मक्खियाँ मच्छर सब कुछ यहाँ पर है, गंदगी इतनी है, और यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने कहा है वो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आके देख जा रहे हैं, हाँ होगी आगे की कार्रवाई कह के वापस लौट जा रहे हैं। बहुत परेशानी है, दिक्कत आती है, हर दिन कोई भी अगर बात हम कहें तो हमारी बात की कोई सुनने वाला नहीं है, और अगर कहीं शिकायत करें तो शिकायत को दबा देते हैं ये लोग अपने पैसों के दम पर। हर बात की परेशानी हो रही है, रास्ते में इधर उधर जहाँ जाओ रास्ते में कीचड़, मुर्गी फेंक के जहाँ तहाँ, उनसे कुछ कहो, मालिक से कुछ कहो, भाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होने का कुछ होता कुछ नहीं है। किसी से अगर शिकायत करें तो शिकायत को दबा देते अपने दम पर। जो मरी हुई मुर्गियां हैं यहाँ पे उनका निस्तारण भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उनके वैज्ञानिक निस्तारण की विधि उनको बताई गई है, क्योंकि अगर वो वैसे ही फेंक दी जाती है तो संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा है। इस बारे में भी उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अन्य जो संबंधित चीजें हैं वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके द्वारा जो मानक फिक्स होते हैं उनको फॉलो करना।